Learn to के सेशन नंबर फाइव में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं विवेक और मैं सिखा रहा हूं इन्वेस्टिंग आपको और अनुपूर्णा जी को हेलो सर सर हाउ आर यू डूइंग कोविड कोविड है नहीं 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 हो सकता है इसीलिए आप मास्क पहन रखे हैं हाँ। तो ये अच्छी आदत है कि अगर आपको फील हो तो मास्क पहन लेना चाहिए तो पिछले सेशन में दोस्तों हमने बात की थी टैक्सेशन के ऊपर में और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो दिखिए टैक्स एक इतना इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का कि जब आप उसको वीडियो को देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इसको देखना तो बहुत जरूरी था इफ यू नॉट वीडियो प्लीज गो एंड सी दट से अनुपूणा जी आज से आपकी इक्विटी मार्केट की जर्नी चालू करते हैं okay, so. ठीक है पहला चार सेशन वॉज बिल्डिंग ब्लॉक वे द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग यू नो दीड राइट थ्री सीज

Plus, -adjusted CAGR is also very high. Hmm. तो आपको तो चालू करते चाहिए। लेकिन ये बहुत ट्रिकी है इजी नहीं है देखने में बहुत इजी लगता है तो ये ट्रिकीनेस ये कॉम्प्लेक्सिटी और ये परेशानी को मैं दूर करूंगा सेशन नंबर फाइव से चालू करेंगे इक्विटी मार्केट के बारे में डिस्कस करना और आने वाले और सेशंस बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप पहली बार मुझसे ज्वाइन किए हैं तो मैं हूं विवेक बजाज और मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में हूं और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग यही मेरा काम है और कई महीनों से लगा हूँ आपको ये दोनों काम को सही तरीके से अंजाम देने में तो सेशन नंबर फाइव चालू किया है अभी और अगर आप पहली बार जुड़े तो मेरे इस चैनल के साथ में वापस से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करिए सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विटी सो इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं अनुपूर्णा इक्विटी एज एन एसेट क्लास मतलब आप किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर बन रहे हैं right. इसका मतलब आप उस कंपनी के इक्विटी इक्विटी मतलब आप इक्वली पार्टिसिपेट करने में बिलीव करते राइट right? right. uh, अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन रहे हैं तो आप हो सकता है खुद की भी कंपनी में हो जो कि आपकी खुद की कंपनी है प्राइवेटली और मेरी कंपनी में शेयर होल्डर है mm -hmm. तो इसका मतलब उसका बिजनेस में जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा राइट right. लेकिन जब आप किसी पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं जहां पर और भी शेयर होल्डर्स है तो वहां अगर किसी भी तरह का बेनिफिट मिलता है तो वो सबको स्प्रेड आउट होता है hmm. किस बेसिस पे डिडेंड नहीं डिविडेंट इज दिच गोज एज ए डिविडेंट राइट दिविरें� बट क्या बेसिस होगा सबको बेनिफिट देने में प्रॉफिट है, है लेकिन इतना आप तो हाँ। इतना, हाँ। अगर 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 इतना बैठे तो आपको इतना मिल जाएगा हाँ। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट मिलेगा ये अपने चर्चा करेंगे बट अभी जरूरी है कि इक्विटी मार्केट जो इंडिया का है उसका स्ट्रक्चर को समझता हाँ कोई हम लोग न्यूज देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स लोग से बात करते हैं तो सब शेयर्स का नाम बता देते हैं ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है राइट right. कि ये ले ले ये बेच दे अरे hmm. कुछ शेयर बता दे लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा है कभी कि इक्विटी मार्केट में है कितना बड़ा साइज hmm. कितने लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर में कितनी कंपनीज लिस्टेड है कितने तरह के सेक्टर्स है कितनी तरह की इंडस्ट्रीज है ये टेन थाउजेंड फीट से जो एक व्यू है मार्केट का hmm. वो होना बहुत जरूरी है ओके राइट तो आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक है डिकोडिंग दी स्टॉक मार्केट यूनिवर्स ओके कुछ डेटा पॉइंट्स है बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ? लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट 2021 का अगर हम रेटिंग देखें लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट दुनिया का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओके जो कि यूएस में लोकेटेड है हम्म mm ऑब्वियस -hmm. था क्या पता था आपको सो यूएस सबसे बड़ी इकॉनमी है हर चीज में वही बड़े तो चलो तुम मार्केट में भी तुम बड़े बन जाओ उसके बाद आता है नजदैक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में हर तरह की कंपनीज लिस्टेड है नजदेक के अंदर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक ओरिएंटेड कंपनीज ओरियंटेड ओके ठीक है ओके okay. तीसरा है शांघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना ये देखिए यहां भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट में भी चाइना हैज बिकम ह्यूज कमोडिटीज के अंदर में तो जो बाहर के एक्सचेंजेस थे उनसे बड़ा बन गया है चाइना और इक्विटी मार्केट में भी चाइना तीसरे नंबर पे है फिर यूरोप फिर जापान हांगकॉन्ग सैंगजन वो भी चाइना के अंदर में लंडन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप और फाइनली आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओके बहुत पीछे हैं हम लोग अभी राइट क्यों हम लोग पीछे क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर लोग अपने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग गोरो पे डिपेंडेंट है जब गोरे आ जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं तब हमको लगता है कि हाँ हमारा मार्केट अच्छा और हम भी इन्वेस्ट करते हैं

मार्केट कैप ऑफ लिस्टेड एक्सप्लेन करूंगा मार्केट कैप का टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी टोटल वैल्यू तो इनडायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट ही हो गया राइट mm -hmm. right? बट क्या होता है आपने सौ रुपया डाला बट उसका वैल्यू हो गया हजार रुपया mm -hmm. तो इन्वेस्टमेंट तो सौ रुपया था mm -hmm. बट आज के डेट में उसका वैल्यू हजार रुपए राइट आगे बढ़ते कंट्री स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन देखेंगे तो यूएस में 55 परसेंट पॉपुलेशन शेयर बाजार में इन्वॉल्व है 55 छोटा पॉपुलेशन वैसे कम लोग हैं वो बट 55 इज अ गुड नंबर ब्राजील के अंदर में खाली दो परसेंट है दो परसेंट खाली ब्राजील वाले लोग थोड़ा पार्टी ज्यादा करते हैं तो शेयर बाजार में नहीं इन्वॉल्व और यूके में तैतीस परसेंट तो आप देखिए जितना डेवलप्ड नेशन होता है उतना शेयर बाजार में पार्टिसिपेशन हाई है Hmm. और जितना डेवलपिंग नेशन है उतना शेयर बाजार में पार्टिसिपेशन कम है डेवलप क्यों uh, uh, हुए क्योंकि उनका शेयर बाजार अच्छा था hmm. क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कंट्री को अगर डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है तो कैपिटल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है hmm. और शेयर बाजार इज द मीडियम ऑफ कैपिटल क्रिएशन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन नॉर्मल mm -hmm. जो हम लोग सब कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है उसको कैपिटल चाहिए तो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैपिटल इंडिया में है लोन mm -hmm. आ, मेरे को लोन दिला देना mm -hmm. आ, बैंक से लोन करा देना मोस्ट कॉमन तो इंडिया बिजनेस आर लार्जली डिनोमिनेटेड बाय लोन्स ये कल्चर शिफ्ट हो जाएगा ओके okay. क्योंकि धीरे धीरे जब लोगों रियलाइज होगा कि लोन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो पीपल विल स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू इक्विटी Hmm. और वो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करेंगे hmm. तो जितना इक्विटी मार्केट बड़ा होगा उतना हम भी फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप की तरफ मूव करेंगे बिकॉज इक्विटी मार्केट में पोटेंशियल है कि वो बहुत ज्यादा कैपिटल क्रिएशन कर सकता है ओके ओके कैपिटल डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है बट क्रिएशन हैज अ मच लार्जर रोल बिकॉज अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन का ग्राफ देखेंगे तो वो ऊपर ही जाता है हमेशा hmm. इसका मतलब ओवरऑल कैपिटल क्रिएशन होती है ओके गॉट इट इट्स आज एकदम स्लो जाएंगे अनुपूर्णा बिकॉज टूडे सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सब बातें कोई करता नहीं है शेयर्स की बातें लोग तुरंत कर लेते हैं बट ये सब ग्राउंड बिल्डिंग बातें हैं ये करना बहुत जरूरी है ठीक है बिकॉज अगर आपको अपने आपके कंट्री का मार्केट ही नहीं पता है कि स्ट्रक्चर क्या है तब तो आप क्या इन्वेस्ट करेंगे है ना राइट चलिए तो हम लोग सिर्फ तीन परसेंट है अभी पॉपुलेशन का मतलब तीन ही परसेंट हमारे पॉपुलेशन तो हमारा बहुत बड़ा है एक्चुअली पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन को देखना नहीं चाहिए आई थिंक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट जनरली जो मिडिल क्लास है इंडिया का वो ही इन्वेस्ट करेगा जो बीपीएल कैटेगरी होगी वो इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे उनके पास तो पैसे ही नहीं है right. कुछ करने के लिए हुँ. तो वो पूरा पॉपुलेशन का हम तीन परसेंट देखेंगे तो हमको लगेगा खाली तीन ही परसेंट बट अगर मिडिल क्लास पॉपुलेशन का हम देखेंगे हुँ. तो फिर हमको लगेगा ये डिसेंट एक परसेंटेज है बट स्कोप ऑफ ग्रोथ और है इसके हुँ. अंदर राइट स्टेट वाइज अगर देखें हम लोग ये इंटरेस्टिंग डेटा है कि कौन सा शहर में सबसे ज्यादा इक्विटी इन्वेस्टर्स है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है तो एनी गेस शेयर बाजार में वहां पर तो गए बच्चा बच्चा शेयर बाजार के अंदर में इन्वॉल्व है hmm. क्योंकि उनको पता है कि शेयर बाजार से सही तरीके से काम करने से वेल्थ क्रिएट होता है hmm. तीसरा नंबर है यूपी एक्चुअली यूपी मतलब वो नोएडा एरिया भी आ गया ना विच इज तो यूपी को आप दो भाग में देख सकते हैं एक तो रिच यूपी और एक स्ट्रगलिंग यूपी तो right. रिच यूपी इज वेरी वेरी रिच उसके बाद है चौथे नंबर पे कर्नाटका बैंगलोर एंड अदर एरिया ठीक है ना पांचवें नंबर पे राजस्थान अगेन गुजराती एंड मारवाड़ी इन लोग का ज्यादातर रोल रहा है चौरबार में छह नंबर में आ जाते हैं तमिलनाडु वेरी इंटरेस्टिंगली देखिए हर शहर के लोगों का अप्रोच बहुत यूनिक होता है जैसे साउथ के अंदर में मैंने देखा लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं ट्रेडिंग कम करते हैं गुजरात साइड में राजस्थान साइड में नॉर्थ साइड में लोग ट्रेडिंग ज्यादा करते करते इन्वेस्टमेंट कम राइट कलकत्ते साइड में कलकत्ता में देखिए जैसे hmm. कलकत्ते में hmm. तो क्या ओवरऑल बंगाली पॉपुलेशन नॉन बंगाली पॉपुलेशन तो बंगाली पॉपुलेशन जनरली आर नॉट इन एक्टिव इन्वेस्टिंग पैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं और जो नॉन बेंगोली पॉपुलेशन है वो थर 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 लगे हुए रहते हैं इसके अंदर hmm. तो हर स्टेट का एक अपना रिलीवेंस है एक अपना मार्केट पेनिट्रेशन है right. अब अपने देखते हैं कि टॉप फाइव सेक्टर्स कौन से हैं जो इंडिया के अंदर में जिसको आप बोल सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया का सॉफ्टवेयर और आई टी सर्विस जिसका मार्केट कैप है तकरीबन बयालीस लाख करोड़ ठीक है दूसरा है बैंक जिसका मार्केट कैप है इकतीस लाख करोड़ तीसरा है फाइनेंस बैंक और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है बैंक इज नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस इज एन जो पर्सनल लोन देता है जो हाउसिंग लोन देता है वो सारे उसका मार्केट कैप है तकरीबन 28 लाख करोड़ ऑयल एंड गैस जिसमें रिलायंस है ओएनजीसी है उसका है टोटल 21 लाख ,00 करोड़ और एफएमसीजी 18 लाख ,00 करोड़ तो ये पांच मेजर सेक्टर्स है इंडिया के अंदर सो so, इसमें क्वेश्चन है सो एक्चुअली जनरल क्वेश्चन है सो आई गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स ओके सो इंडस्ट्रीज और सेक्टर सो सेक्टर हो गया

अडानी ग्रुप जो कि मर्ज हुई है पिछले दस साल में कितनी बड़ी ग्रुप बन गई बजाज ग्रुप विच इंक्लूड्स योर बजाज फाइनेंस बजाज बजाज हम लोग नहीं आते उसमें तो ऐसे ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप एल ग्रुप महिंद्रा ग्रुप एंड ओपी जिंदल ग्रुप तो ये हो गए मेजर ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ द टोटल वैल्यू तो टाटा एक्चुअल में टोटल वैल्यू टाटा का स्टेक का है ऑलमोस्ट चौबीस लाख करोड़ ठीक तो है तो है ये मोटा मोटी एक नंबर से आपको आइडिया लगा होगा कि इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट कौन करता है ही ही। अब आ, मार्केट की बात करें तो दो तरह का मार्केट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी आती है मार्केट में पैसे उठाने तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जब वो एक्सचेंज में वही स्टॉक ट्रेड होते हैं अच्छा। तो प्राइमरी मार्केट में होता है आईपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट एंड बोनस इश्यू आईपीओ आपको पता है हमने कई बार डिस्कशन किया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कंपनीज कभी भी मार्केट में नहीं आई थी पैसे उठाने अब आई है और पैसे उठा रही है शेयर इशू कर रही है ताकि उन पैसे से वो या तो पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे सके या नया एक्सपेंशन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी बोलती है कि मैं पब्लिक के पास नहीं जाऊंगी मैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के पास जाऊंगी और उनसे पैसे ले लूंगी इंस्टीट्यूशन खुद भी म्यूचुअल फंड कुछ भी प्राइवेट इक्विटी फंड एक्सेट्रा एंड थर्ड इज राइट एंड बोनस इश्यू कंपनी बोलती है कि मैं और पैसे रेस करना चाहती हूं तो मैं राइट इशू लेके आ रही हूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग के लिए कि वो इस राइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोनस इशू हो गया कि कंपनी बोलती है कि मेरे पास कैश बहुत पड़ा है कंपनी में रिजर्व्स आ गए अब मैं शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं थ्रू बोनस ओके यस मोटा मोटी कुछ मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया इसमें राइट सेकेंडरी मार्केट के अंदर में दो मेजर मार्केट है एन और बी एन एस सी जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज आज के डेट में 1992 में फॉर्म हुआ था और सेबी ने उसको रिकॉग्नाइज किया था 1993 में में और उसने 1994 में अपना ऑपरेशन कमेंस किया था इट स्टार्टेड विद होलसेल डेट मार्केट बट उसके बाद उसने इक्विटी लॉन्च किया और डेरिवेटिव लॉन्च किया और आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एटीन में फॉर्म हुआ था और जब उस समय जब एक्सचेंजेस बनते थे तो इट वॉज एसोसिएशन ऑफ ब्रोकर्स

जो बेंचमार्क इंडेक्स है जो एन को रिप्रेजेंट करता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो है निफ्टी और बेंचमार्क इंडेक्स फ्रॉम अ बी एस सी पर निफ्टी के बारे में निफ्टी फिफ्टी एक्चुअली निफ्टी का निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल फिफ्टी इसलिए वो बना निफ्टी ओ। मतलब इस देश का पचास टॉप स्टॉक्स तो इसका बेस नंबर है एक हजार जो कि 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था और आज के रेट में निफ्टी तकरीबन चल रहा है 18000 तो हजार से 18000 मतलब 18 गुना हुआ है कितने साल में 25 so, 25 साल 25 साल, साल में 18 गुना हुआ है निफ्टी ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ 50 कंपनीज uh, और जिसमें 24 सेक्टर है और uh, इसके अलावा एनएसई ने बहुत सारे और इंडाइसेस बनाए ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है uh, इससे आपको पता लगेगा कि किस-किस सेक्टर इंडेक्स या थीमेटिक इंडेक्स या ब्रॉड बेस इंडेक्स में क्या-क्या स्टॉक है और आपको उन स्टॉक्स को कैसे देखना चाहिए okay. वो मैं आपको स्टॉकेज यूज करके दिखाऊंगा कि आपको उसे आपको फायदा क्या होगा बीएससी सेंसेक्स है बेस इसका सौ है आज बीएससी क्या भाव चल रहा है सेंसेक्स सोचिए इसका 100 बेस है लेकिन वो बेस बना था 1978 में ठीक है तो कितने टाइम हो गए और भी बहुत सारे इंडा है जो बी एस सी ने बना रखे जो सेक्टर स्पेसिफिक है ब्रॉड बेस भी है थे और uh, कई और कैटेगरी वाइज उन्होंने बनाया जो कि अपने की अपने स्टॉकेज के थ्रू देखेंगे मैं आपको फटाफट अब दिखाता हूँ कि ये जो जो मैं कह रहा कैटेगरी ऑफ इंडाइसेस मिल जाएंगे एन एस सी के ये सारे इंडाइसेस हर इंडेक्स के अंदर में लिस्ट है और हर इंडेक्स का एक रेलिवेंस है जैसे निफ्टी ऑटो उसका एक रेलिवेंस है ऑटो सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है।, है निफ्टी एफ वो उस सेक्टर को

इसमें क्या मेजर इंडाइसिस एन एस सी दोनों के आ गए गेनर्स आ गए तो आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ पीरियड में कौन से इंडेक्स ने परफॉर्म किया है कौन से इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया है लूजर्स आ गए तो इससे आपको एक वही बात है ना कि माउंट एवरेस्ट व्यू ऑफ द मार्केट में जाएगी राइट और ये सब व्यू नहीं लेंगे ना अनुपुना तो कहीं ना कहीं देखिये आप वापस उसी लुक में जाएंगे कि शेयर बता दे लेकिन आप अपने आप को अगर शेयर बताने लायक बनाने चाहते हैं तो ये सब आ, डेटा बेस को देखना बहुत जरूरी okay. है ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं तो से भी रेगुलेटर है जो कि रेगुलेट करता है और रेगुलेटर जो बना था 1992 में वो हर्षद मेहता का स्कैम के बाद में साथ साथ में से भी बना था और okay. मोटा मोटी इंडियन मार्केट को पूरा रेगुलेट करना लॉस देना yeah. और पनिश करना लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं उसका काम से भी ओके ठीक है मार्केट कैप कॉन्सेप्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट कैप मतलब टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी तो जितना शेयर कंपनी इशू कर रखी है मल्टीप्लाइड बाय जो प्राइस है पर शेयर वो हो गया मार्केट कैप राइट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है राइट हाँ, right? right. और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स शेयर्स को भी दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनफैक्ट मल्टीपल भाग में डिस्ट्रीब्यूट होते यूएस के अंदर में तो क्या है अलग अलग कैटेगरी ऑफ शेयर्स होते हैं विद अलग अलग वोटिंग राइट्स इंडिया में इतने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर इशू जनरली नहीं होते डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब जनरली क्या होता है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक शेयर जितना राइट होता है पर ऐसे कई क्लास ऑफ शेयर्स इशू हो जाते हैं जो राइट को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं अगर रिस्ट्रिक्टेड राइट right होंगे तो ऑब्वियसली आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा शेयर का सपोज okay. अगर ऑल राइट्स का शेयर का दाम है सौ रुपया और नाइनटी राइट्स के शेयर का दाम क्या सौ होगा कि सौ से कम होगा तो से कम सोचे सोचे हो गए गए जिसको कम होगा, जिसको राइट मिल रहा है, है। है वो तो ही पूरा भाव देगा। अलग-अलग अलग-अलग कंपनी अलग -अलग अलग शेयर्स भी करती है। इतना ज़्यादा इंडिया में प्रोमिनेंट नहीं है ये। कुछ कंपनी कर रखी हैं। तो आप फॉर डेफिनेशन दे रखे लार्ज कैप सेबी के हिसाब से क्या

मिड कैप हो गया 101 से 250 और स्मॉल कैप हो गया 250 तो ये से भी ने सौ पचास है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है डेफिनेशन क्यों नहीं है। मेरा मेरा पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको मैं okay. आपको दिखाता हूं इस डेफिनेशन से क्या हुआ ये है। और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ये लेटेस्ट डेटा है दिसंबर ट्वेंटी का तो ये हो गया टॉप हंड्रेड कंपनी लार्ज कैप बोल दिया गया

तो आपके हिसाब से फिर आपके डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ लार्ज कैप में काम करना चाहिए स्मॉल कैप की मिड कैप इन्वेस्टिंग सेंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जब आप काम करते हैं तो मार्केट कैप जरूरी है बट सिर्फ मार्केट कैप देख के आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटीज जो दूसरे मार्केट कैप में अवेलेबल है उसको मिस कर जाएंगे हुँ. तो जब हम मार्केट में काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब आप मार्केट में काम करते हैं तो स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिक्विडिटी मतलब आज मैं शेयर खरीदूंगा तो क्या शेयर मुझे मिल जाएगा और जब मैं बेचने जाऊंगा तो होना चाहिए क्योंकि मैं बेचने गया और भाव गिर गया तो फिर मेरा इंपैक्ट कॉस्ट जो कि बिड आस्क का डिफरेंस है वो इंपैक्ट कॉस्ट मेरे को मार देगा तो लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक इज इंपॉर्टेंट दूसरा कई बार क्या होता है जब कंपनी के फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्री फ्लोट पहले समझते हैं है। फ्री फ्लोट मतलब एक कंपनी जो करती है, तो के पास शेयर मतलब चले जाते तो फ्री फ्लोट का मतलब होता है नॉन प्रमोटर का स्टेक का कंपनी में कितना है? अब आप एग्जाम्पल देखिए कोई एक कंपनी है जिसमें नब्बे प्रतिशत प्रोमोटर के पास है और दस परसेंट फ्री फ्लोट है और एक दूसरी कंपनी है साठ परसेंट प्रमोटर के पास है और चालीस परसेंट फ्री फ्लोट आप किस कंपनी को प्रेफर करेंगे so, और और, और क्यों क्योंकि अगर मार्केट में है तो लिक्विडिटी होगी राइट तो आपको निकलना और बाहर घुसने में इजी हो जाएगा तो लिक्विडिटी इज ड्रिवेन बाय फ्री फ्लोट एंड ऑब्वियसली कितना लोगों का इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर तो मैंने एक होमवर्क किया मैंने ना एक लास्ट कुछ महीनों का डेटा एक्सचेंज की साइट से निकाला और मैंने क्या किया कंपनीज का नाम उसके कितने ट्रेड हुए हैं उस पीरियड के अंदर में आई थिंक ये मैंने अगस्त 2021 से किया हुआ ये काम मैंने है ना तो ऑलमोस्ट छह महीने हो गए छह महीने का डेटा मैंने कंसिडर किया ठीक है तो कौन कौन सी कंपनीज है जिनमें वॉल्यूम हुए हैं मतलब एक्सचेंज में काम हुआ है और उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है उनका ओवरऑल मार्केट कैप क्या है तो ओवरऑल मार्केट कैप का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर राइट और फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब हो गया नॉन प्रमोटर्स स्टेक मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस तो ये मैंने जब डिवाइड किया तो मैंने देखा कि ये है ये ये कंपनी में ये फ्री फ्लोट है एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल मार्केट कैप जैसे आईसीएस बैंक है इसमें कोई प्रमोटर नहीं है oh. ये पूरा पब्लिक ओन्ड है केटी के बैंक है कोई प्रमोटर नहीं है कोई प्रमोटर नहीं है एमसीएक्स कोई प्रमोटर नहीं है इट्स ऑल पब्लिकली रहा है तो मेरे लिए क्राइटेरिया क्या है कि जिस कंपनी में काम होता है मतलब वॉल्यूम है hmm. और जिसमें फ्री फ्लोट हाई होना चाहिए लो फ्री फ्लोट कंपनीज में मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि थोड़े से शेयर पब्लिक में oh. और वो शेयर अगर कोई कॉर्नर कर लिया तो वो उस शेयर को चला सकता है oh, right. वैसे अगर आप उसको जानते हैं प्रमोटर उसको ऑपरेटर oh. को जो चला रहा है और आपको पता लग जाए कि वो चलाने वाला है तो उसमें पैसे बहुत बनते हैं बट यू नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ऑपरेटर जो चलाएगा तो मैंने ये होमवर्क जब किया ना अपनी oh. टीम के साथ में तो हमने देखा तकरीबन 800 कंपनी है इंडिया में जिनमें फ्री फ्लोट भी ढंग का है मतलब 25 परसेंट के ऊपर है रहे। और जिनमें एक्टिविटी भी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ अनुपन जी अपने पास में 800 शेयर ही हैं, जिनमें ओवरऑल काम आप कर सकते हैं right. ऐसे मार्केट के अंदर में लिस्टेड पांच हजार शेयर है बी के अंदर में एन में तकरीबन दो हजार शेयर है बट काम करने लायक जो शेयर है hmm. वो आठ सौ ही हैं बिकॉज इनके अंदर में फ्री फ्लोट भी रीजनेबल है और इनमें रीजनेबल लेवल पे लिक्विडिटी अवेलेबल है सर so, क्वेश्चन है सर hmm. बिना प्रोमोटर के जो कंपनीज है मतलब हाउ वुड यू रेट दो इन्वेस्टिंग सेंस अगर वो इंस्टीट्यूशन ओन्ड है

ठीक है समझ आ गया आपको तो चलिए चलते ये भी दोस्तों तो ये में आपको ही दिया कि कैसे आप, तो एक काम करना चाहिए ना हर कुछ कुछ पीरियड में इस पे वर्क करना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनमें डिसेंट वॉल्यूम है मैं उसी में काम करू या हमने ये काम कर दिया है अगर किसी भी स्कैन में हम जाते हैं क्योंकि आप कंपनी वाइज स्कैन करना चाहेंगे राइट? Right? तो यहां पर देखिए हमने फिल्टर में मेजर स्टॉक दे दिया मेजर स्टॉक ओके तो के मेजर स्टॉक एक्चुअली वो स्टॉक है जिनमें लिक्विडिटी है अच्छा। जिनमें आप काम कर सकते हैं so, तो ये, काम हमने कर लिया। so, ये मतलब सर अब, अब में में important है, जितना है, कि depth है।, है और अगर अगर आप entry exit करना चाहते हैं तो तो इन stocks के अंदर में आपको मिलेगा तकरीबन अच्छा तो अगर कोई आ, high liquid stocks में काम करना चाहता है तो वो आपको आ, उस मेजर स्टॉक्स का यूनिवर्स में आपको मिल जाएगा या आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आपको एक्सचेंज से भाव कॉपी डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे शेयर में लिक्विडिटी है क्या इनफ ओके एक और तरीका है सपोज आपको कोई एक स्टॉक बताता है कोई भी एक स्टॉक लेते हैं से ठीक है आपको ये देखना है कि शेयर में मैं काम तो करूं बट क्या इसमें इनफ काम होता है कि जब मेरे को निकलना होगा तो मैं निकल पाऊंगी तो वो आपको यहाँ पर डिलीवरी सेक्शन में मिलेगा डिलीवरी में जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि छह लाख साढ़े छह लाख शेयर का काम हुआ है और छह लाख शेयर का डिलीवरी हुआ है तो छह लाख मतलब काम हो रहा है डेली हाँ, राइट भी तो उस दिन हुआ सॉरी अगर एवरेज में देखोगे तो दो लाख एक लाख दो लाख इसका मतलब दो लाख शेयर का, का काम होता है आपको कितना लेना है आपको सौ दो सौ तीन सो पांच सौ हजार दस हजार उसके लिए ठीक है तो आप कर सकते हैं गॉट इट तो हमेशा किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखिए कि उसमें लिक्विडिटी है क्या और स्टॉकेज का डिलीवरी सेक्शन जो कि फ्री है उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या ये स्टॉक में लिक्विडिटी है और क्या इट्स वर्थ पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी इन टू दैट स्टॉक राइट कंटिन्यू तो आपको क्या करना चाहिए आपको ये यूनिवर्स को देखना चाहिए अगर आपको नहीं देखना है तो स्टॉक इज ऑलरेडी देख रहा है तो आप चिंता मत कीजिए आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट थीम्स पे वर्क करना चाहिए जो कि मेरा मॉडल है जो मैं आपको पूरे इस लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज में सिखाऊंगा कि कैसे थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं और थीम्स के अराउंड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल जो मैंने लर्न टू ट्रेड में सिखाया था उसको यूज करके ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है okay. और ये मेन क्रक्स ऑफ द मैटर इज थीम तो थी स्टॉक ओरिएंटेड भी आ सकता है और सेक्टर ओरिएंटेड भी आ सकता है अच्छा तो कैसे आएगा वो हम लोग सीखेंगे बाद में बट दैट इज द प्रोसेस एंड अगर आपने थीम आइडेंटिफाई कर लिया और उस थीम का कोई ना कोई इंडेक्स है जो एक्सचेंज के अंदर में है तो बी एस में है या एनएससी में है तो वो इंडेक्स से आप ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ ये थीम में पैसा अभी डालने में कोई दिक्कत नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट थीम एक थीम है उसका इंडेक्स है एनएससी रियलिटी तो एटलीस्ट उस इंडेक्स से मैं उस थीम को ट्रैक कर पा रहा हूँ कि क्या मैं सही सोच रही हूँ और क्या वो थीम मार्केट में वर्क कर रहा है सो व्हाट इफ कोई सेक्टर का थीम ही ना हो सॉरी इंडाइसेस ना हो अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन कोई भी सेक्टर का इंडेक्स जरूरी नहीं कि हर सेक्टर का इंडेक्स right. होगा तो अगर कोई सेक्टर का इंडेक्स नहीं है तो उस सेक्टर में टॉप थ्री स्टॉक्स mm -hmm. को ट्रैक करो वो लिटरली okay. इंडेक्स को बना देंगे रिप्रेजेंट ओके okay. जैसे रबर है mm -hmm. अब रबर का कोई भी mm -hmm. आ, सेक्टर इंडेक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे हम सेक्टर यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर रबर सर्च करेंगे रबर प्रोडक्ट्स अब इसमें टॉप कंपनी कौन सी है रबर की जिसका मार्केट कैप हाईएस्ट है एपकोटेक्स पिक्स ट्रांसमिशन एंड रूबफिला तो ये तीन रिप्रेजेंट कर दिए उस सेक्टर को तो अगर ये तीन अच्छा कर रही हैं तो नीचे वाले भी मोरल उनको फॉलो करने के चांसेस ओके तीन भी नहीं दो भी डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर कई सेक्टर होते हैं जो बड़े होते हैं जैसे एनबीएफसी है सपोज तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है तो हर सेक्टर के अंदर में फिर इंडाइसिस भी इंडेक्स भी है तो आप उस इंडेक्स के अंदर उस उस इंडस्ट्री के अंदर में जाके लीडर जो है उसको देख सकते हैं ओके okay. जैसे कोई भी क्लास के अंदर में अगर हमको कंक्लूड करना होता है कि ये क्लास पढ़ने वाले बच्चों की है या फ्री राइडर्स की है तो हम हमेशा किसी न किसी का बेंच मार्क करते हैं ना।, ना तो टॉपर की तरफ नजर अपने आप अप चली जाती है टॉपर अगर अच्छा है तो क्लास अच्छी है टॉपर भी ढक्कन है तो फिर क्लास की तो बैंड बज गई तो बेसिकली जो लीडर है हर इंडस्ट्री का उसको देखना बहुत जरूरी ओके इट सो सेक्टर ब्रेकडाउन अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अल्टीमेटली जो थीम हमको बनाना है जो एक ओवरऑल की हमको एक आ, एक व्यू बनाना है अपना वर्किंग में तो उसमें सेक्टर को स्टडी करना बहुत जरूरी okay. और हर सेक्टर के अंदर में मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं तो अगर आप स्टॉकेज में एक बार जरा जाके ना समय बिताइए थोड़ा फ्री फीचर है कोई पैसा नहीं लग रहा है बट इससे आपका दिमाग खुलेगा इतने सारे सेक्टर्स हैं स्टॉकेज में और हम हर सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों इस इस लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज का यूनिकनेस यही है कि हर सेक्टर पे एक चर्चा चलेगा और उस सेक्टर का एक थीम बनाने की कोशिश करेंगे तो हर सेक्टर के अंदर में मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं ठीक है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं आप इंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाइए और इंडस्ट्री में जाइए तो आपको दिखेगा कितने सारे इंडस्ट्रीज है जैसे शुगर एक इंडस्ट्री है शुगर में जाएंगे तो कौन कौन सी कंपनीज है कौन बड़ी है किसमें डेट सबसे ज्यादा है ये सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे ओके और जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो हर सेक्टर का एक फ्लो होता है ना कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कुछ ट्रेडिंग फर्म्स होती है कुछ कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है ऑटो है अब ऑटो में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स अलग है टू व्हीलर कंपनी थ्री व्हीलर कंपनी क्योंकि हर कंपनी एक वैल्यू एडिशन कर रही है उसी सेक्टर के right. so, a question है mm -hmm. uh, जैसे एक साइक्लिकल सेक्टर आपने मेरे को बताया था फॉर फॉर ट्रेडिंग कि कोई mm -hmm. भी एक साइक्लिकल सेक्टर आइडेंटिफाई करो उसमें डालो राइट सो इज दैट आल्सो वैलिड फॉर इन्वेस्टिंग इट इट इज इज फॉर फॉर इन्वेस्टिंग मोर वैलिड देन ट्रेडिंग बिकॉज़ आप ट्रेडिंग जब करते हैं तो प्राइस देखते हैं उसमें सेक्टर का सिक्लिकालिटी या ग्रोथ है कि मोमेंटम ये इतना इतना नहीं है अच्छा। एग्रीकल्चर तो you know, कि किस कैटेगरी में आया और डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ दैट सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे ओवरऑल तब फिर इम्पोर्टेंट है हमको जानना कि हम कितना परसेंटेज ऑफ माई पोर्टफोलियो

और इसको सीरियसली अपने बस करते रहते हैं ना यस yes. चलिए थैंक यू थैंक यू दोस्तों ये वीडियो में जुड़े रहने के लिए और ये सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मज़ा आने वाला है तो शेयर कीजिएगा ये सीरीज उनके साथ शेयर कीजिएगा जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जो स्टॉक मार्केट में वीडियो गेम खेलना चाहते हैं ना ना उनके साथ मत कीजिएगा कोई फायदा नहीं है लेकिन जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा तो इस वीडियो के नीचे में इस सीरीज का मैं प्ले का लिंक भी दे दूंगा तो वो प्ले पूरा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा आज पांचवा वीडियो था अब आने वाले दिनों में और बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड होने वाले हैं और मजा आने वाला है थैंक यू बाय बाय टेक केयर